কত আছে? दोस्तों मैं समल, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल प्यार समल चैनल से। ठीक है दोस्तों, आज का जो ब्लॉग कुछ अलग से होने वाला है, क्योंकि इस चैनल में होता है मजा। दोस्तों आज जो चैनल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कैमरा पकड़ने के लिए कोई है नहीं, तो स्टैंड में जो सेल्फी वाला स्टैंड होता है ना, उसमें कैमरा लग के आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। जो पिछली बार जो दीघा वाला वीडियो, तारापीठ वाला वीडियो, उसका व्यू तो इतना हुआ नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो उसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका जो कंटेंट है थोड़ा सा बार्स रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरा रिलेटेड है, रिलेटेड है उसके साथ भी फास्ट फूड व सी फिश बारे में। इसका इतना सारा मजा है ना, मस्ती। तो वो जो ब्लॉग है, उसमें ब्लॉग में इतना अच्छा कंटेंट है, आप लोग देखोगे तो इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि पेट्स रिलेटेड नहीं है। बार बार पेट्स का वीडियो मुझे ही बनाने अच्छा नहीं लगता है। किसी किसी दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि भैया नया नया वीडियो चाहिए, नया नया कमेंट चाहिए, नया नया कुछ कंटेंट चाहिए। का ब्लॉग कुछ दूसरा टाइप का होने वाला है। आज कुछ बार्ट्स रिलेटेड, कुछ मेरा एक दोस्त है गौतम बोल के, उसका बार्ड्स फार्म में जाएंगे, तो बार्ड्स फार्म में जाके उसका एक ब्लॉग बनाऊंगा आज। ठीक, उस बार्ड फार्म में एक बाजेस का कॉलोनी है, 50 पेयर का बाजेस कॉलोनी है। और साथ में कुछ वैरायटी का बार्ड्स है, तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जाके जो बाजिस पैट बहुत सारे ने बोलते, उसने कमांड किया कि आपने बड़ा बड़ा वीडियो बनाते हो, बड़ा बड़ा बार्ड्स का बनाते हो, तो बाजिस के बारे में मतलब कि जो छोटा छोटा आदमी है ना, उसका कंटेंट बारे में कुछ पता चले। तो वो हिसाब से मैं सोचा कि ठीक है, उन लोगों के हिसाब से एक आज वीडियो बना देता हूँ। और चलिए, बाजिस के बारे में और लाभ बार्ड्स भी होगा उसके साथ में, तो जाके पूछते हैं। शायद 50 पेयर लाभ, 50 पेयर बाजिस होगा और 10 प्यार शायद लाभ बार्ड होगा। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो जाके आगे देखते हैं। नमस्कार गौतम दा, आज आपका फार्म है मैं आया विजिट करने के लिए। चलिए आज का फार्म थोड़ा सा मुझे दिखा दीजिए, और आपका फार्म में क्या क्या है थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन करवा दीजिए कि क्या क्या है और किस किस के बारे में। और गौतम दा के एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये सबसे अच्छा जो खांचा नहीं केज बनाता है, केज भी बहुत अच्छा बनाता है। तो किसी से केज बनवाना चाहते हो तो सस्ता में दादा ने जीआई तार से अच्छा वाला केज बनवाता है। कोई कोई तो खेज आ जाए दादा, डेढ़ भाई डेढ़। हाँ, आज की खांचा बनते हो, नंबर चेक तो बोले दो, का नंबर टा इधर देखो, 8116 3000 1100। आगे और बोलो, 8116 3000 1100। मेरा पेट्स लाभ आ रहा है, किसी को केज बनाना है तो दादा का नंबर मैं दे चुका हूँ, इस नंबर से कांटेक्ट करके दादा से आप सस्ता में बहुत अच्छा सुंदर आप केज बना सकते हो। चलिए दादा का फार्म दोबारा मैं विजिट करता हूँ, दादा उम्मीद का तो दादा अच्छा मतलब आप लोगों को केज बना के देगा, और दादा से कांटेक्ट करिए, दादा आपको अच्छा अच्छा किट बना के देगा। जितना बड़ा आप साइज बोलोगे, जितना जैसे बोलोगे, तो दादा अच्छा अच्छा करे केज बना के मुझे भी दिया है, मैं भी दादा से लिया हूँ, तो आप लोग भी दादा से केज लीजिए और दादा का फार्म मैं विजिट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टाइम आ गया दादा का फार्म जो है ना वो विजिट करने का। ये दादा देखिए, इसमें ना जितना सारे आपको बजेस दिखाई दे रही है, इसमें शायद 30 प्यार बजेस का कॉलोनी है, ओनली 30 पेयर, और बाकी दादा ने 20 पेयर सेपरेट सेपरेट केज में रखा है। जो सबसे बड़ा वाला हॉलैंड वाला बार्ड्स होता है वो भी रखा हुआ है दादा ने, तो एक एक करके मैं उसका मैं व्यू आपको दिखाऊंगा विथ लाबर्ड। लाबर्ड भी ज़्यादा दादा के पास नहीं है, बहुत कम है, 10 पेयर बस। 10 पेयर में रोजी ग्रुप का बहुत सारे कलर का मतलब क्यू का यूलो फेस और बहुत सारे व्हाइट फेस हैं और ब्लू रोजी, बहुत सारे कलर का दादा के पास बार्ड्स है।
तो उसका भी मैं व्यू दिखाऊंगा। आज जो आपको दिखा रहा हूँ ये जो बजेस का कॉलोनी है, इसका कॉलोनी का प्रोग्रेस देखिए। इसके अंदर सब बार्ड्स, जितने सारे बार्ड्स है पूरा हेल्दी है। तो गौतम दादा से पूछने के बाद दादा ने ये बोला है कि जितना सारे बार्ड्स है सब हेल्दी है, क्योंकि दादा ने इसको सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड देता है। एक देखिए वो चिक्स बाहर निकल के देख रहा था, ठीक है, पूरा भाड़ में मटकी में पूरा अंडा बच्चा चिक्स सभी है। ये देखिए एक बैठा हुआ है बाहर, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इतना अच्छा मज़ा दादा ने सेटिंग करके रखा है। छोटा सा कॉलोनी है, इसमें शायद कितना 6 फीट होगा और उसमें 4 फीट होगा, 6 फीट में 4 फीट और लंबा में है आपका 4 फीट। इतना छोटा सा कॉलोनी में दादा ने 30 पेयर रखा है। बट इसमें तो फाइटिंग तो होता है, किसी का देखा हुआ आँख मुँह तो फोड़ा हुआ है, किसी आँख फोड़ा हुआ है, तो फाइटिंग है और फाइटिंग तो बिल्कुल होता है। क्योंकि पहले बाजेस प्यार क्या करता है, सबसे भाड़ है ना जो मटकी हम लगाते हैं उसको ऊपर नीचे होने से क्या है बहुत ज़्यादा मारपीट होता है। तो ये आपको देखिए एक दो भाड़ नीचे है, एक भाड़ ऊपर है, ये जो बाढ़ बैठा है इसका आँख को फोड़ दिया लोगों ने, है मारपीट किया है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आपको कॉलोनी बनाना है। और किसी के पास कॉलोनी का सबसे अच्छा ये है कि खाना देने के टाइम एक बार डाल दो सब पेयर खा लेगा। सेपरेट केज में क्या है अलग अलग करना पड़ता है। और कॉलोनी में क्या होता है, जितना आपका बच्चा आएगा ना उसमें बच्चा मतलब चिक्स आएगा जितना, उतना बाहर आ सकता है, अभी नहीं भी आ सकता है। बट सेपरेट केज में जितना आपका बच्चा चिक्स ले करेगा बाहर आएगा उतना चिक्स रहेगा, क्योंकि उसमें मारपीट होने का कोई भय नहीं है, किसी को कोई मारता नहीं है। अब आ गया बाजिस पैर का जो चिक खाने का, ये देखिए दादा मतलब डाल के रखा है नीचे से, बहुत दिन से पड़ा हुआ है। हाँ, तो इसमें क्या कंगी दाना और कौन सा छोटा छोटा दाना है ना, और सॉफ्ट भी दादा ने देता है, जो मैं मेडिसिन पिछली वाला वीडियो में बताया था वो भी दादा ने देता है। देखिए ये सेपरेट केज में दादा ने रखा है, ये एक करके एक में 2 रखा है, एक में 4 रखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके दादा ने, देखिए ये सेपरेट केज है, इसमें एक फीमेल अंदर बैठा हुआ है, मेल बाहर रखा हुआ है। तो बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया कि बाजिस बाढ़ है ना उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो आज का वीडियो वो दोस्त सब्सक्राइब के लिए है जो मुझे बिल्कुल फॉलो करता है, वो लोगों को मैं अलविदा मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे कमेंट करके बोलता है कि कौन सा वीडियो बनाना है। तो वो लोगों को सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। किसी को कुछ इंक्वायरी करना है, जानकारी चाहे कमेंट बॉक्स से लिखिए, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। देखिए इसके अंदर बैठा हुआ है, और मेल फीमेल पहचान का तरीका कैसे है, जो जितना बार्ड्स है ना उसका जो लीफ ठोंठ है उसको ठोंठ के ऊपर देखिए, ये देखिए ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ये फीमेल है, क्योंकि इसका ब्लू है, देखिए ब्लू कलर का लगा हुआ है, तो ये ब्लू है, ये फीमेल है। और उसके पीछे वाला देखिए उसके ठोंठ में नहीं है, वो व्हाइट कलर का होगा। ऐसे करके मेल और फीमेल आपको बाजिस को पहचानना है। और इसको सेपरेट केज में रखिए, आपको रखिए इतना अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा। कोई फर्स्ट टाइम बाजिस का कॉलोनी बना रहा है, कोई पेड्स में आया कि कुछ बनाने के लिए, व कुछ शौक से कोई बनाना चाहता है, तो पहले लापाड़ में मत जाइए, पहले आप लोग बाजिस में आइए, ठीक है। बाजिस में देखिए कितना अच्छा करके दादा ने सेपरेट केज में रखा हुआ है, सब जितना सारे वैरायटी है दादा ने रखा है। सिर्फ जाके दादा ने उनके पास मैं पूछा हूँ तो दादा ने मुझे बताया, दादा को हिंदी नहीं आता है ठीक से, तो इसलिए मैं इसको बाद में रिकॉर्डिंग करके वीडियो एडिट करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दोनों मेल फीमेल का कितना जोड़ा अच्छा है, और कलर क्वालिटी कितना अच्छा है। तो हर वीडियो में अलग अलग कंटेंट का मेरा वीडियो आता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर शेयर करना, लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो कॉलोनी में सबसे फ़ायदा तो वो बता दिया आपको, और सेपरेट केज में क्या फ़ायदा बता दिया। तो जिसके पास टाइम है वो सेपरेट केज में करो, बाजिस का जो कॉलोनी है सेपरेट केज में करो, सबसे अच्छा है। और जिसके पास टाइम नहीं है वो थोड़ा सा कॉलोनी बड़ा बना दो, तो उसमें क्या थोड़ा सा मारपीटाई करने का कमी हो जाता है, मतलब मारपीटाई इतना ज़्यादा नहीं करता है। बट जो ये छोटा केज छोटा कॉलोनी में बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं उसमें मारपीटाई सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है बार्ड्स को कौन सा फूड देना है। सबसे इम्पोर्टेंट है बी कॉम्प्लेक्स देना है, कैल्शियम देना है, सॉफ्ट फूड देना है, एग फूड देना है। और बाजिस को सबसे अच्छे जैसे लाभ बार्ड्स को डीवॉर्मिंग करते हैं ना, सब बार्ड्स को डीवॉर्मिंग करना पड़ेगा। उसका कैसे करते हैं मेरा वीडियो है उसमें डीवॉर्मिंग वाला, उसमें आप लोग एक एक करके देख सकते हो, तो वो आपको मैं बता दिया। और तीसरी बात ये आ गया कि बाजिस को जो कॉलोनी ये देखिए लगा है दूर मटकी में, डांडा दूर में लगा है, बट डांडा दूर में लगाना नहीं चाहिए, इसका जो मटकी है इसका सामने लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें मल्टिंग करने के टाइम तो उसके ऊपर बैठ के आराम से घुस सकता है और बाहर आ सकता है। तो जितना सारा इनका इसे दादा को दिखा दिया, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा कुछ। अभी आ गया दादा के पास लाभ बाढ़, हर टाइप का दादा के पास लाभ बाढ़, रोजी ग्रुप का है लाभ बाढ़, बहुत सारे
कलर का है ये दादा मुझे, मैं पूछने के बाद दादा मुझे कौन सा लाभबाड़ का ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा रहे, शायद इसमें अंडा होगा दादा, 3-4 अंडा होगा शायद मुझे दिखा रहा था, ये देखिए 4 अंडा है इसके अंदर, हाँ ये कौन सा बाढ़ है मैं एक बार दिखा रहा था, देखिए अंडा तो बहुत जल्दी आ गया, ये देखिए रोजी ग्रुप का एक बाहर बैठा हुआ है शायद, ये देखिए रोजी और लुटीनो ग्रुप का, दादा के पास लाभबाड़ भी है तो बहुत तरह तरह का दादा के पास बाढ़ से। दादा ने ये जो केज दिखाई दे रहा आप, एक दादा ने खुद हाथ में बनाया, तो किसी ने केज बनाना चाहता है तो दादा से संपर्क करिए, केज बना देगा। कोई बाढ़ से लेना चाहते हो, बाजिश प्या लेना चाहते हो तो दादा से संपर्क करिए। और चलिए दोस्तों फिर आगे और एक लाभबाड़ का ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर जो मटकी के अंदर ये शायद अंडा ले किया नहीं होगा, इसके अंदर अंडा लेने के नेस्टिंग मटेरियल्स जो देता है वो दादा ने दिया है, देखिए वो रोजी ग्रुप के पास बाहर निकल के चला गया। तो और फिर आते हैं आगे, अच्छा अच्छा कलर वाला मुझे रोजी ग्रुप का मिला, देखिए एक ऑरेंज हेड वाला है और एक रेड हेड वाला है, ये सब रोजी ग्रुप का बार्स है। और इसके बाद दादा को पूछा हूँ कि दादा मटकी अच्छा है ना बॉक्स अच्छा है, तो दादा ने बोलता है दोनों ही अच्छा है, क्योंकि उसको आपको बार्स लगाने से ना, मतलब बॉक्स लगाने से क्या है बार्स अंदर छुप सकते हैं, देखिए इसमें बार्स है नहीं अंदर पूरा बैठा हुआ है, तो और मटकी में क्या होता है छोटा होने से क्या बाहर से दिखाई देता है, ये दोनों में डिफरेंट इतना ही है बाकी सब बराबर है, ठीक है इसमें कोई अलग सा कुछ है नहीं। ये देखिए एक व्हाइट फेस है और एक लुटिनो है, इसका भी लाभ बाढ़ से देखिए कितना अच्छा अच्छा रोजी ग्रुप का उसका कलेक्शन है, दादा ने कलेक्शन करके रखा है, उतना ज़्यादा तो प्यार है नहीं दादा के पास, और ये दोनों मतलब अभी तक जोड़ा नहीं लग रहा है, दादा ने इसको लगा के रखा है बॉक्स लगा के, देखते कब यूज होता है। और हर तरफ का दादा ने मेडिसिन इस्तेमाल करता है, दादा के पास जो मैं एनाडाइना दिखाया था और उसके बाद जो रैक्स व्हाइट ऑयल है वो भी दिखाया था साथ में, इतना सारे दादा ने यूज करता है। ये देखिए एक रोजी ग्रुप का बैठा हुआ है और इसका एक फीमेल है, फीमेल अंदर बैठा हुआ है, तो ये लोगों को मैं छेड़ता नहीं हूँ, दादा ने बोले चलो थोड़ा दिखा दो, तो दादा ने खोल के दिखा रहा था, तो दादा को मैं इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा था क्योंकि बर्ड्स अभी ब्रीडिंग प्रोग्रेस में डर जाएगा, लाभ बर्ड्स नाम तो है बट ये क्या लाभ बर्ड्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो लाभ बर्ड्स के अंदर ही रहता है। अभी 4 अंडे हैं, मतलब लाभबाड़ का प्रोग्रेस इतना अच्छा है क्योंकि बाजार में घुसा नहीं, लाभबाड़ का जो प्रोग्रेस है ना दादा के पास इतना अच्छा है, जिस मटकी में मैं हाथ लगा रहा हूँ उस मटकी में 4-5, 4-5, 2-3 ऐसे करके अंडा है, मतलब भाई जिस टाइम आया था शाम के टाइम आया था थोड़ा सा इसलिए क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, तो DSLR लेके आया था, देखिए इसके भी अंडा है 4 अंडे हैं, मतलब हर का मतलब सेपरेट केज में अंडा बच्चा है, ठीक है। तो इस वाला केज में देखता हूँ, रुको इस वाला में, हाँ इस वाला में नेस्टिंग करके रखा है, इसने अभी अंडा दिया नहीं, तो पता उम्मीद करता हूँ शायद इसमें अंडा आ जाएगा, तो दादा के हाल में पता नहीं क्या जादू है, तो हमारा हाल में होता नहीं, हर बॉक्स में अंडा है। तो सबको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई लाभबाड़ कॉलोनी लाभबाड़ बनाना चाहता है, बाजेस का कॉलोनी बनाना चाहता है, दादा से संपर्क करिए, दादा सेल आउट करता है। तो नेक्स्ट है दादा का जो सेटअप देखने वाला, ये देखिए दादा का ये सेटअप में दादा ने रखा हो, इसमें शायद 16 खोखा होगा, इसमें दादा अंदर रखा हो वाला कॉलोनी छोड़ के ये सेपरेट केज में लाभबाड़ और बाजेस रखा है। दादा का नॉलेज बहुत अच्छा है मेडिसिन के लिए, इसे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है मैं बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल का जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आज के लिए।